इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है फ्यूचर, क्या नेक्स्ट होगा रोमन रेंस के लिए, और बड़ा सवाल कि रोमन रेंस का क्या नेक्स्ट होगा, रोमन रेंस रिटर्न कब करेंगे, सारी बातें करने वाले वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड एक नॉर्मल वीडियो होने वाली है। तो देखो, रोमन रेंस कोविड के लिए पॉजिटिव हो चुकी है, खुद बात रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू बताई। और बड़ा सवाल ये कि गाइस देखो, रोमन रेंस ने लिखा था कि मैं आज टेस्ट किया और आज पॉजिटिव निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर से देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर से WWE को पहले से पता था कि मतलब छः रोमन रेंस बाहर है, तो कुछ भी हो सकती है रोमन रेंस के साथ चीज़ें। तो WWE में भी गए, यहाँ पर से मतलब लग रहा था कि क्या पता उनको लास्ट मिनट में रोमन रेंस आ जाए चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ होती नहीं और WWE को अपने प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर से गाइस क्या सीन है कि रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, और 2-3 हफ्तों के अंदर पॉसिबली ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम लें तो 1 हफ्ता तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे। लेकिन रोमन रेंस को ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर है, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, और रोमन रेंस की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर से बहुत 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 बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर से गाइस ये भी चीज़ ध्यान में लेनी होगी हम सभी, और रोमन रेंस को पहले उनकी हेल्थ प्रायोरिटी है, जिसके बाद WWE सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से WWE हमें जो है रोमन रेंस को जितना टाइम देगी, रोमन जितना टाइम लेना चाहेंगे, WWE उनको उतना ही टाइम ऑफर करेगी। WWE कोई भी फालतू में रिस्क नहीं लेगी, और रोमन रेंस भी कोई रिस्क नहीं लेगी कि रोमन रेंस जब तक रिकवर हो ना जाए पूरी तरीके से, तब तक रोमन रेंस हमें अपना पूरा का पूरा टाइम हमें लेते हुए दिखाई देने वाले। लेकिन बात आती है रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में, जब वो अपना रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर से गाइस रोमन रेंस के लिए अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोमन रेंस से गाइस ब्रॉक लेसनर का खतरा थोड़ा सा दूर है, और रोमन रेंस अब तो बहुत नजदीक है लेसनर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वो अब बन ही जाएंगे लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन। तो गाइस यहाँ पर से उनके लिए जो मेरे ख्याल से अपोनेंट हो सकते हैं वो होंगे गाइस अपने जो ड्रू मैकइंटायर है, वो गाइस डेफिनेटली टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, और ड्रू मैकइंटायर का बड़ा नाम है। साथ ही में गाइस यहाँ पर से हमें जो स्मैकडाउन के अंदर फिलहाल इतने कुछ अच्छे चैलेंजेस कंटेंडर्स नहीं है, लेकिन आई गेस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो चीज़ लग रही है। और मेरे ख्याल से रेसलमेनिया के अंदर क्या पता हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का फिर एक बार आमना सामना दिखाई दे, लेकिन ये होगा इस बार गाइस WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर WWE कर सकती है एक काफ़ी बड़ी चीज़, और दोनों टाइटल्स को मैं ऑनलाइन लगाती हुई दिखाई देगी दे ही सकती, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, और अभी फ़िलहाल कोई भी कह नहीं सकता कि क्या चीज़ें होगी। जब रोमन रेंस रिटर्न करेंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, रोमन रेंस का फ्यूचर, उनके प्लान्स, उनके क्या मैचेस वगैरह होंगे, सभी बातें तो देखते, लेकिन हम सभी होप यही करते कि रोमन रेंस जल्द से जल्द रिकवर होके आ जाए वापस, और रोमन रेंस जल्द से जल्द रिकवर करे और गेट वेल सून, हम सभी रोमन रेंस को कहते, और जल्द से जल्द वो आ जाए WWE में वापस, यही हम सब होप करते। और बस गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।